नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर में एक और नवविवाहिता को दहेज के लिए किया गया परेशान। 2 साल पूर्व हुई थी मेघा की शादी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग की है। शादी के पहले भी मृतका के परिजनों द्वारा पुलिस प्रशासन को ज्ञापन और प्रदर्शन के माध्यम से न्याय की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक 2 आरोपी के नहीं पकड़े जाने से नाराज परिजनों ने रीगल तिराहे का चक्का जाम किया। दरअसल 2 साल पहले इंदौर के संगम नगर के रहने वाले मेघा गौड़ की शादी इंदौर के नादिया नगर के रहने वाले सूरज गौर से हुई थी। पेशे से इंजीनियर, मेघा को दहेज के लिए विवाह के बाद से ही परेशान किया गया। इस दौरान ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट भी की जाती रही। वहीं परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने मेघा की हत्या की है। वहीं हत्या के चलते ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर मामला दर्ज भी हो गया, जिसमें से सास, पति और ननद को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि मेघा से 10 लाख की दहेज की मांग कर रहे थे, नहीं देने पर मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। परिजनों की मांग है कि मेघा के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। इस दौरान नाराज परिजनों ने रीगल तिराहे पर चक्का जाम भी किया। वहीं पुलिस के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद चक्का जाम हटाया गया। मृतका के पिता महेश गौड़ ने बताया कि अगर पुलिस विभाग द्वारा दोनों आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो उन्हें सख्त सजा नहीं दी जाती है, तो यह प्रदर्शन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शहर भोपाल में भी किया जाएगा। साथ ही मृतका मेघा के भाई ने बताया, इस पूरे मामले में मेघा गौड़ के मामा ससुर बाल मुकुंद गौड़ पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाल मुकुंद गौड़, जो कि आबकारी कार्यालय में कांस्टेबल है, उनके द्वारा परिजनों पर कार्यवाही नहीं करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। आवेदन करता हूं मैं आपसे। बोलो, जो मेरी बच्ची को जो सजा दी है उन लोगों ने, मैं शिवराज मामा से एक निवेदन करता हूँ कि वो मेरे को, मेरी बच्ची को न्याय दिलवा दे बस। क्या पूरा मामला है आज आपने इसका प्रदर्शन करने आए थे? सर सर, ये मामला ये है कि जो निर्दोषी हैं वो तो फरारी काट रहे हैं। नहीं, नहीं, आपकी बच्ची को किसने मारा है और क्या, कब शादी हुई थी आपकी बच्ची की? दो साल पहले उसकी शादी हुई थी सर, जब से ही दहेज का मांग करते थे ये लोग। सूरज के साथ और ये बाल मुकुंद और गीता, ये इनके कहने से ही पूरा घर संसार चलता था उनका। और ये बोलते भी थे हमें कि ये जो हम कहेंगे वही ही उसकी बहन करेगी। क्या ये दहेज की मांग करते थे आप? हाँ सर, हमारे से 10 लाख रुपए की मांग करते थे ये लोग। तुम कहीं से भी ला दो, किसी रिश्तेदार से ले लो, या तो मकान गिरवे रख के दे दो हमें, पर हमें पैसा चाहिए। अरे, 5 आरोपी में से दो आरोपी फरार हैं। जी सर, उनको कोई शह दे रहा है, कोई मदद कर रहा है उनको, कोई आबकारी अधिकारी बता रहे थे? नहीं पता सर। सर ये हमको पता होता तो हम उनके खिलाफ भी कुछ बोलते ना सर। मदद कर रही है, वो फरार रही थी। जैसा आपने बताया था कि कोई आबकारी का अधिकारी, कोई अब सर ये तो वो अधिकारी लोग ही बता पाएंगे कि वो दबाव भी डाल रहे हैं ना। हाँ, दबाव तो हमारे को पूरी समाज का आया था हमारे पास कि भैया इनका नाम क्यों ले रहे हो, पर ये तो दोषी है ना, पक्के दोषी है ये। कौन? बाल मुकुंद और गीता। ये कौन है? ये मामा ससुर और मौसी है। मौसी सास है वो। तो आप क्या अभी क्या चाह रहे हैं? डीआईजी में ज्ञापन भी आपने कुछ दिया था, अभी तक आपकी मांग नहीं पूरी, आप अगला एक्शन क्या रहेगा आपका? अगला, अगर अभी भी गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये आंदोलन भोपाल जाएगा। भोपाल में यही लोग सारे जाएंगे, भोपाल में आंदोलन करेंगे हम लोग। अपना नाम बता दें। महेश गौड़। आप कौन है? मैं लड़की का पिताजी हूँ। प्रदर्शन करने किस कारण से आए हैं और क्या चाह रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारी बहन के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है वो दोबारा किसी के साथ ना, और जिन्होंने इनके साथ किया उनको यदि कड़ी सजा मिले, वो जो फरार आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। कोई मदद कर रहा है उनको भगाने में? उसकी तो मदद क्यों नहीं कर रहा हूँ, जब आदमी इतनी बड़ी बात कहता था कि जब तुम हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगे, जब बिटिया को परेशान करते थे, जब घर वाले परेशान होके हाथ जोड़ते थे तो यही बोलते थे कि तुम यही सब प्रशासनिक व्यक्ति हैंगे जो मदद कर रहे हैं उनके। अब आदमी जब इतनी बड़ी बात कर गया तो छोटा किसी के बल पे तो नाम बाल मुकुंद गोड़े सब इंस्पेक्टर है, मतलब हेड कांस्टेबल हैंगे वो आबकारी विभाग में, तो वो दबाव भी डाल रहे हैं आप पे? अब दबाव भी डालते हैं और फरार भी डाल रहे हैं, फरार भी है, उसके बाद में वो पेश भी नहीं हो पा रहा है, न पुलिस प्रशासन उसको पकड़ पा रहा है। आपने ज्ञापन भी दिया था कुछ समय पहले, उसमें भी कुछ
उसके पहले भी हमने ज्ञापन भी दिया था, उसके बाद में हम राजवाड़ा पे हमने ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज कर रहे हैं। वैसे ही हमने पहले भी प्रदर्शन करा, हमने पुलिस से भी बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करा है कि करो कार्रवाई। दहेज की मांग भी की जा रही है। दहेज की मांग तो पहले से ही करते आ रहे थे, गुड़िया को हमें प्रताड़ित भी करते थे, लेकिन क्या होता है कि जब जाकर हम कार्रवाई करने आते थे तो दबाव बना, दबाव डरा के अब बेचारे जो हमारा अंकल, उनकी तीन गुड़िया है, कोई लड़का है नहीं, अब वो डर के मारे क्या करेंगे, समाज में किससे लड़ेंगे, किसे जीतेंगे, अपन इतनी बड़े ताकतवर व्यक्ति थे। तो का मामला पूरा कहाँ निवास रहते हैं? ये गुड़िया, ये हमारी जो बेटी रहती है कि वो रहती है कि संगम नगर में 51 नंबर की है। 2 साल पहले उनका विवाह हुआ था नादिया नगर के सूरजगोड़ से। अपना नाम बताओ। विजय गोड़। आप कौन है? मैं उनके भाई, उनके काका का लड़का हूँ। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।